हाय एवरीवन, समर सीजन स्टार्ट हो चुका है और मुंबई में तो ना मुझे ऐसा लगता है कि 12 महीने समर्स रहती होगी बिकॉज यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बट येस, दिसंबर जैन फेब के मंथ के आसपास थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, बट नाउ इट्स ऑलरेडी अप्रैल और यहाँ तो ना धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि हाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर दिस समर, मैं कैसे समर रीसेट करने वाली हूँ, कैसे छोटी छोटी चीज़ें मैं अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने वाली हूँ ताकि मैं इस समर्स को टैकल कर सकूँ और अपने आप को प्रिपेयर कर सकूँ इस समर सीजन में। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। समर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी विंडोज तो ओपन ही होती है, बट मुंबई जैसे शहर में जहाँ सब जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है, ऐसे में घर पर डस्ट एक्यूमुलेट होना नॉर्मल है। वैसे तो हाउस हेल्प दीदी रोज क्लीनिंग करते हैं, बट वंस और ट्वाइस अ मंथ डीप क्लीनिंग के लिए आई डू वैक्यूमिंग। वार्म टेम्परेचर्स ऑफन ब्रिंग अनवांटेड गेस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट, एंड आई गेस मेरी तरह और भी होंगे जिन्हें कॉकरोचेस, बेडबर्ग्स, स्पाइडर्स इन छोटे छोटे इंसेक्ट से डर लगता होगा। इसलिए मैं टाइम टू टाइम ऐसे पेस्ट कंट्रोल स्प्रेस करती रहती हूँ। बेड के कॉर्नर्स, विंडोज, साइड एजेस पे ये स्प्रे किया, एंड किचन में आपने नोटिस किया होगा गर्मियों में एंट्स हो जाती है, उसके लिए ये चॉक इज वेरी इफेक्टिव। कॉटन फैब्रिक लाइट वेट एंड ब्रीदेबल होता है विच अलाउज द स्किन टू ब्रीथ, इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर कॉटन बेड शीट्स। एंड इस सीजन में ना पेस्टल्स, वाइट, ऐसे कलर्स मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो क्लीनिंग तो हो गई, अब कुछ कपड़े हैं वॉशिंग के, वो धोने को डालूंगी। गर्मियों में क्लीनिंग करना इज इटसेल्फ अ टास्क। फिर स्वेट से स्किन चिपचिप हो जाती है, स्कैल्प ग्रीसी और एंड्स ड्राई हो जाते हैं। तो अभी फॉर फेस आई एम गोइंग टू प्रिपेयर दिस मुल्तानी मिट्टी मास्क, और ये मैं शिमला से काफ़ी सारा बाइक में लेकर के आ गई थी बिकॉज आई नो समर्स में मुझे इसकी काफ़ी सारा ज़रूरत पड़ने वाली है। और मेरे स्किन केयर में ना मुल्तानी मिट्टी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज समर्स में हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो जाती है, ग्रीसी हो जाती है, और मुल्तानी मिट्टी उस एक्स्ट्रा ऑयल को, एक्स्ट्रा सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। तो इट्स अ मस्ट इन समर्स स्पेशली। एंड फॉर हेयर आई एम गोइंग टू प्रिपेयर और DIY हेयर मास्क, जस्ट मैं कर्ड और हनी का एक मिक्सचर लगाने वाली हूँ अपने स्कैल्प पे बिकॉज मेरी स्कैल्प ना काफ़ी ज़्यादा ग्रीसी हो गई है, और इस मास्क में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो जो भी फंगल इन्फेक्शन आपके स्कैल्प में होने के चांसेस हो सकते हैं, स्पेशली समर्स में ना होए बट अगर फिर भी कुछ चांसेस हो सकते हैं और उसके प्रिकॉशंस ले सकते हैं, तो दिस DIY हेयर मास्क इज़ अ गुड ऑप्शन, तो यू मस्ट ट्राई। These two are the quickest and the most easiest home remedies that I know because I know har roz hair mask lagana is not practical, but you can use it once or twice a month, and same with the face mask. Main mostly multani mitti lagati hu and summers mein to har roz ya alternate days pe bhi I make sure ki main iska use karu hi। मेरी हेयर ग्रोथ काफ़ी हो गई थी एंड अभी वैक्सिंग करने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। वैक्सिंग नीड्स टाइम एंड पेशेंस, और गर्मी में मुझसे तो इतना स्ट्रगल नहीं हो पाता है, एंड आई ऑप्ट फॉर सच ऑप्शंस जो क्विक भी हो एंड ईजी भी। दिस एप्लीकेटर इज़ अ लाइफ सेवर फॉर मी, ये वैक्सिंग की तरह मेसी बिल्कुल भी नहीं है एंड बिल्कुल उसी की तरह काम करता है, उसके कंपैरेटिवली कम टाइम भी लेता है एंड इट्स वेरी ईजी टू क्लीन। So
समर्स में राइट कपड़े शॉप करना इज मस्ट। इस बार मैंने सोचा क्यों ना कुछ कुर्ता सेट ऑर्डर करूं जो कंफर्टेबल भी हो और समर्स में लाइट फील भी करवाए। सो आई केम अक्रॉस विद दिस इंडियन ब्रांड दी लूम दैट ऑफर्स आउटफिट फॉर एवरी ओकेजन एंड मूड। मैंने यहाँ से ये तीन कुर्ता सेट विद दुपट्टा ऑर्डर किए थे एंड आई फाइनली रिसीव्ड इट एंड आई एम सो एक्साइटेड टू ओपन इट। सो फर्स्ट इज दिस फ्लोरल प्रिंट कुर्ता सेट। समर्स में फ्लोरल डिजाइन बहुत ही सुंदर लगते हैं एंड दिस आउटफिट इज सो सो कंफर्टेबल एंड द फैब्रिक इज ब्रीदेबल सुपर लाइट वेट एंड गेट टू प्रिटी कि मैं क्या ही बताऊं। सेकेंड इज दिस येलो कुर्ता सेट एंड दिस कलर इज सो गुड ब्राइट येलो क्वालिटी इज टॉप नॉच एंड इस पे जो काम किया गया है ना बहुत ही बारीकी से और सफाई से किया गया है विच मेक्स दिस आउटफिट स्टैंड आउट। And the third is this purple kurta set. And I love the designing. How a simple outfit can look this pretty. Or this outfit ko stand out iska dupatta karwata hai, which is a malmal dupatta. ये तीनों ही कुर्ता सेट लूम के समर कलेक्शन से है विच इज डिजाइन टू ऑफर अटमोस्ट कंफर्ट एंड ईज ऑफ द मूवमेंट। फैब्रिक कॉटन है जो काफी ब्रीदेबल है एंड समर्स में हीट से भी बचाता है। ईच गार्मेंट कम्स विद पॉकेट्स एंड नेक स्लीव्स एंड पैंट्स पे काफी अच्छा काम किया गया है एंड दीज ऑर्गेंजा दुपट्टास आर सो ब्यूटीफुल दैट इट कैन बी पेयर्ड विद एनी आउटफिट एंड आई मस्ट से दीज कुर्ता सेट्स आर वेरी कंफर्टेबल येट सो स्टाइलिश। यहाँ आपको हर मूड और ओकेजन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे सो डू चेक इट आउट एंड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो यहाँ कर्ड रेडी है। आज पता नहीं क्यों इतनी थिक नहीं बनी, थोड़ी देर सेट करने के लिए फ्रीजर में भी रखा था बट देन इट्स ओके। अभी आई एम मेकिंग मसाला छाछ समर्स में, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन करता है, बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है एंड मार्केट से रेडी छाछ लेने से बेटर मैं ऐसे खुद घर पर दही जमाती हूँ और फिर मसाला छाछ बनाती हूँ। इस मौसम में whenever we feel thirsty, chilled cold drinks are the easiest option. But they all are filled with lots of sugar, caffeine and whatnot. ऐसा नहीं है कि मैं वो बिल्कुल नहीं पीती हूँ, I do, but I always opt for a balance. I know थोड़ा time consuming होता है, but then it's the best and it tastes so good. वैसे मुंबई में तो गर्मियाँ ही रहती है तो यहाँ शिमला की तरह समर्स आते ही सर्दियों के कपड़े अंदर और गर्मियों के कपड़े बाहर नहीं निकलते। बट यहाँ मैंने फिर भी कुछ ठंड के कपड़े रखे हैं ताकि अगर शूट आए या फिर कहीं ठंडी जगह पर जाना पड़े तो रेडिली क्लोथ्स अवेलेबल हो। बट वो इतनी स्पेस ले रहे थे कबर्ड में कि मैंने सोचा इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करना ही होगा बिकॉज रेंटेड अपार्टमेंट्स में इतनी स्पेस तो मिलती ही नहीं है एंड इन दैट केस सूटकेस से बेटर ऑप्शन और कोई था ही नहीं यहाँ पे फिलहाल। सब कुछ होने के बाद शाम को इवनिंग वॉक पे निकली। इस पार्क में मैं पहली बार आई हूँ। एक ही चीज़ यहाँ आने के बाद मैंने मिस करी और वो ये कि काश मैं अपने साथ बुक लेकर के आई होती तो कितना अच्छा होता, बट कोई बात ही, नेक्स्ट टाइम। एंड इन द लास्ट घर आते टाइम मुझे मिट्टी का मटका लेना था तो वो लिया। मैंने लास्ट ईयर भी गर्मियों में मिट्टी का मटका लिया था बट ओवर द टाइम उसमें सोपी सा टेस्ट आने लग गया था। इनफैक्ट मैं सोप से क्लीन भी नहीं करती बट फिर भी उसमें टेस्ट आ रहा था तो मैंने थोड़े टाइम बाद वो डिस्कार्ड कर लिया था तो यहाँ पे मैंने न्यू वाला लिया। क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? मैं अभी मटका लेके गई और यहाँ पे मैं डॉग्स को खाना खिलाने लगी। तब तक मटका
स्कूटी से छूट गया और वो टूट गया, मुझे वापस यहाँ लेना पड़ेगा। एंड दिस बदमाश इज स्टिल हियर, इसकी वजह से मेरा मटका टूट गया, गंदा बच्चा। वैसे तो आई प्रेफर ड्रिंकिंग वाटर एट रूम टेम्परेचर, बट मुंबई का रूम टेम्परेचर मुझे समझ ही नहीं आता है। एंड ऐसे में एकदम से फ्रिज का पानी पीना या आइस क्यूब यूज़ करने से मेरा तो गला ख़राब हो जाता है, ठंड पकड़ जाती है। तो ऐसे में मिट्टी का मटका एक्ट एज अ नेचुरल फ्रीज़र, इसमें पानी ठंडा रहता है और इसके काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। मटका तो आ गया है, मैंने इसे क्लीन भी कर लिया है और इसमें पानी भी भर के रख दिया है। एंड इसे मैं अब ऐसे ओवरनाइट रहने दूंगी एंड नेक्स्ट डे वापस इसका पानी चेंज करूंगी ताकि इसमें जितनी भी मिट्टी और मिट्टी का टेस्ट है ना सब निकल जाए। एंड फ्रॉम डे आफ्टर आई विल पुट फ्रेश वाटर इन इट एंड स्टार्ट यूजिंग। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। एंड एज समर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, आपको मेरे चैनल पर समर्स रिलेटेड काफ़ी सारा कॉन्टेंट दिखने वाला है। अगर आप कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं मेरे चैनल पर समर रिलेटेड तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई एम गोइंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।